वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मुझे कनाडा आए हुए 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में से मैं आज आपके साथ 5 ऐसी हाईलाइटेड मोमेंट्स शेयर करने जा रहा हूं जिन्होंने मुझे बहुत जिंदगी में बदल के रख दिया था। ऐसी मोमेंट्स जिन्होंने मेरी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट डाला था। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो लेकिन वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और ये मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने का जो पर्पस है वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, उसको भी जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना कि आज मैं ये मेमोरीज क्यों शेयर कर रहा हूँ। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। लेट्स गो। दोस्तों, ये सबसे पहला घर था जहाँ मैं रहा था अपने कनाडा में जब मैं एंटर हुआ था। तो इस घर से काफ़ी बुरी यादें जुड़ी हैं। मैं और मेरा रूममेट यहाँ एक रूम रेंट करते थे और बाकी लड़के भी रहते थे जिनको हम नहीं जानते थे। तो काफ़ी अच्छा टाइम भी गुजरा लेकिन हमें लैंडलॉर्ड ने काफ़ी मुश्किलें दी थी। मैंने सुना ही था कि कई लैंडलॉर्ड बुरे होते हैं लेकिन यहाँ मुझे एक्सपीरियंस करने को भी मिला था कि लैंडलॉर्ड किस हद तक बुरे हो सकते हैं। तो हमें लैंडलॉर्ड जब भी पैसे लेना आता था महीने के बाद, हमें वो हमेशा गालियाँ निकाल के जाता था। उसका रीज़न ये होता था कि वो कहता था कि ऊपर रूम्स की विंडोज़ खुली हुई हैं और घर में एसी चल रहा होता था, तो हमें वो बोलता था कि रूम की विंडोज़ क्यों खुली हैं, जबकि हमने वो रूम रेंट भी नहीं किया था, वो दूसरे लड़कों ने रेंट किया होता था और हम उनके रूम में जाते भी नहीं थे। लेकिन वो गालियाँ हमेशा हमें ही निकाल के जाता था और वो इस कारण घर का एसी भी बंद कर देता था। और ऐसा ही जब रिपीट हुआ विंटर्स में, तो उसने घर का एक बारी हीट बंद कर दी और हमें 3-4 दिन तक हीट मिली ही नहीं। उन दिनों में जब बहुत सर्दी होती थी, बिल्कुल प्रॉपर विंटर्स में, तो उन दिनों में इतनी मुश्किल आई कि मेरे पापा को घर से लैंडलॉर्ड को फ़ोन करना पड़ा, जिसको वो जानते भी नहीं थे। उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप प्लीज़ घर में बच्चों को ठंड लग रही है, आप हीट चला दीजिए। तो आज मेरा जो दोस्त है मेरे साथ रहता था मुल्क, उसको भी याद होगी ये सारी चीज़ें। बहुत ही बुरा लगता था कि आप किसी कंट्री में आए हो अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए और अपने ही देश के, अपनी कम्युनिटी के, आपकी भाषा बोलने वाले लोग आपसे ये बिहेवियर में एक्ट करते थे जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं होती थी, जबकि हमने उसको हमेशा टाइम पे रेंट दिया, हमेशा प्यार से बोला था। तो उस टाइम पे कनाडा इतना बुरा लगता था, इतनी हेट हो गई थी कि ये कैसे देश में आ गए हैं, ये कैसे लोग हैं जो अपनों को ही बिल्कुल हेट करते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं। तो वो दिन याद करके आपके मन में घर कर बैठ जाती हैं वो मेमोरीज़। तो काफ़ी बुरा भी लगता है कि इस टाइम से गुजरे और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि मैंने उस टाइम में स्ट्रेंथ दिखाई और गिव अप नहीं किया। तो ये वो टिम हॉर्टन्स है, मैक्लॉगलिन एंड स्टील्स पे शेरिडन कॉलेज के पास है और मेरे घर के बिल्कुल ऑपोजिट था ये टिम हॉर्टन्स। तो ये वो टिम हॉर्टन्स है। मुझे आज भी वो हफ्ता याद है, मैं और मेरा रूममेट अमोलक, हमारे जब लैंडलॉर्ड ने, जब हमने उसको बार बार बोला कि वॉशरूम सही करवा दे, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था उस सीज़न में। तो हम जब रात को शिफ्ट से वापस आते थे तो हमें पता था कि घर का वॉशरूम ब्लॉक हुआ है और हमने घर जाना होता था डायरेक्टली घर से, काम से जब आते थे तो हमें वॉशरूम यहाँ यूज़ करना पड़ता था। इतनी मुश्किल आती थी क्योंकि हम घर में नहीं कर पाते थे, तो यहाँ इस टिम हॉर्टन्स में आना पड़ता था उस हफ्ते के लिए बार बार, या फिर कॉलेज में यूज़ करना पड़ता था। तो इन दिनों ने भी हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाई कि ज़िंदगी में इम्प्रोवाइज़ कैसे करना है। हमें वो कंफर्ट नहीं मिलता था जब फैसिलिटी नहीं मिलती थी। हमने पूरी कोशिश भी की थी कि हम लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करें लेकिन वो नहीं मान रहा था और हमसे वो ठीक नहीं हो रहा था। तो इस टिम हॉर्टन्स में आता था मैं। उन दिनों को याद करके काफ़ी डाउन टू अर्थ महसूस होता है। आज जब भी मुझे कोई फैसिलिटी या जब भी कोई लग्जरी महसूस होती है तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ग्रेटफुल होना चाहिए कि ये कभी भी हाथ से छीनी जा सकती है। दोस्तों, ये वो सड़क है जहाँ से मैं शेरिडन कॉलेज चलकर जाता था। यहाँ से मेरा घर भी पास पड़ता था और शेरिडन कॉलेज इस साइड पड़ता था। रे लॉसन चैरिट्री इंटरसेक्शन है ये। तो मुझे आज भी याद है जब मैं कॉलेज से काम जाता था, काम से घर आता था, इसी रोड से आता था और इतना कभी कभी थका हुआ होता था, इतना भूखा होता था और मम्मी से बात कर रहा होता था घर और बिल्कुल ही मेरा रोना निकल रहा होता था क्योंकि मैं तब पहले 6 महीने 1 साल नया लगता था मुझे और बहुत ही अकेला लगता था। तो इस सड़क से मैं घर बात करते रोता आता था और काफ़ी बार मेरे मन में ये भी ख्याल आता था कि क्यों ना बस मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनके सामने जंप कर दूं और यू नो जस्ट सुसाइड कर लूँ। मैं बस अपनी मुश्किलें ख़त्म करना चाहता था किसी ना किसी तरीके से, कि मुझसे अब ये सहा ही नहीं जा रहा था। तो ये भी उस दौर का टाइम है जब मुझे लगता था कि मैं कनाडा की जो मुश्किलें हैं इनको नहीं झेल पाऊँगा, इनको बेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो भी टाइम निकल गया। काफ़ी अच्छा लगता है पीछे टाइम के बारे में सोच कर कि मैंने वो भी टाइम निकाल लिया जब मेरे मन में ऐसी थॉट्स आती थी। और ये थॉट्स आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपके अराउंड जितना भी सर्कल होता है दोस्तों का, सभी इतने हार्डवर्क कर रहे होते हैं, सभी इतनी मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं कि आपको लगता है कि आपकी मुश्किल कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। तो बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे ऐसा अकेला महसूस करके। तो दोस्तों अभी मैं नानकसर गुरुद्वारा के बाहर खड़ा हूँ, ये शेरिडन कॉलेज के बिल्कुल ही पास पड़ता है। तो मेरी और मेरे रूममेट की एक रूटीन बन गई थी, हम रोज़ सुबह कॉलेज लगाकर शाम को डायरेक्टली गुरुद्वारा आते थे, यहाँ बैठते थे, मेंटल पीस मिलता था, मेंटल स्ट्रेंथ मिलती थी, और बाद में हम लंगर छकते थे और फिर घर जाकर खाना बनाते थे अपनी नाइट शिफ्ट के लिए। तो एक रूटीन बन चुकी थी और काफ़ी मुझे स्ट्रेंथ मिली थी, काफ़ी पीस मिला था यहाँ आकर। तो उस दौर में गुरुद्वारा ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, जिस टाइम पे मुझे काफ़ी अकेला लगता था, काफ़ी लोनली लगता था इस कंट्री में। जब आप एक फॉरेन कंट्री में आए आपको काफ़ी अकेला महसूस होता है, काफ़ी आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो कोशिश ज़रूर कीजिए, गुरुद्वारा जाइए, मंदिर जाइए, जहाँ भी आप ऐसी किसी आपको मेंटल पीस मिल सके। और यहाँ आकर हमें ये भी पता चला कि आपकी कम्युनिटी की कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितनी मजबूत है आपकी कम्युनिटी, क्योंकि आपको यहाँ अपनी कम्युनिटी के काफ़ी मेंबर्स काफ़ी नंबर्स में नज़र आते हैं। तो यहाँ बैठकर हमें काफ़ी मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलती थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और उस टाइम में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत भी होती थी हमें। तो अभी मैं शेरिडन कॉलेज के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं रात को शिफ्ट लगा कर शेरिडन कॉलेज के बिल्कुल सामने उतरा था, और मेरा घर इससे बहुत ही पास था तब। तो मैं घर चल कर जा रहा था और मेरे घर से फ़ोन आया था मेरे पापा का कि मेरे दादी माँ की हालत बिल्कुल ख़राब चल रही थी, और अगली लाइन जो उन्होंने बोली उससे मेरा बिल्कुल दुनिया ही टूट गई थी। उन्होंने बोला कि तेरे दादी माँ गुजर चुके हैं। तो उस मोमेंट में मुझे, तब कनाडा आए 3-4 महीने ही हुए थे, और कुछ फाइनेंशियल रीजंस के कारण, कुछ वीज़ा रीजंस के कारण या स्टडी रीजंस के कारण मैं तब घर नहीं जा सका था। तो उस मोमेंट पर मैं बिल्कुल वहाँ से अभी चल रहा था, उस पाथवे से घर को जा रहा था, और मैं बिल्कुल वहाँ खड़ा हो गया। मेरा दोस्त बिल्कुल साथ था, वो अमोलक मेरे साथ था। अमोलक मुझे पूछता गया कि क्या हुआ तू चल नहीं रहा। तो उस मोमेंट में मेरे लिए सारी दुनिया वहाँ थम गई थी। तो बहुत ऐसा टाइम था वो मेरे लिए कि मुझे लगा कि मैंने कनाडा आकर बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी मिस्टेक की। मैं 2-3 दिन तक अपने आप को मेंटली, अपने मन में अपने दादी माँ को निकाल नहीं पाया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे लिए वापस जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और मैं उनसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड था। तो वो दिन याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे को कभी कनाडा आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे को हमेशा उनके साथ रहना था। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन दिनों से गुजरना भी। ऐसे दिन कई स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में आते हैं और बहुत मुश्किल होता है उनको उस मोमेंट में अपनी लाइफ को संभालना। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो पर्पस था बनाने का, उसका पॉइंट ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं एक फॉरेन कंट्री में आके, चाहे कोई भी फॉरेन कंट्री में जाए। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट इज़ द मोस्ट स्किल्ड इमिग्रेंट विच अ फॉरेन कंट्री कैन एक्सेप्ट। और आज मैंने अपनी स्ट्रगल्स बता के आपको अपनी मुश्किलों के बारे में या अपनी हार्डशिप के बारे में नहीं बताना चाहता था। मैं आपको ये बताना चाहता था कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसे टाइम से गुजरता है, या फिर इस जैसे सिमिलर टाइम से गुजरता है, ऑलमोस्ट एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट। मेरा मानना ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे आर क्लाइंबिंग द सेम माउंटेन, वी आर जस्ट ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ दैट माउंटेन। लेकिन ये वीडियो आपको दिखाने का, ये आपको मेमोरीज दिखाने का पर्पस ये था कि मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, और सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसी दौर से गुजरते हैं। नोबडी इज़ एन एक्सेप्शन टू दैट। कोई कम गुजरता है, कोई ज़्यादा गुजरता है, कोई आज गुजरेगा, कोई कल गुजरेगा इस टाइम से, लेकिन हर कोई इस टाइम से गुजरता है। आई होप आज की वीडियो को देखकर आपको भी थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी, तो थोड़ी स्ट्रेंथ मिली होगी ज़िंदगी में हार ना मानने के लिए। एंड आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और जो पहले ही कर रहे हैं, आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू देम एज वेल। और जो कर चुके हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्नी पार, अपनी वर्क परमिट पे आ चुके हैं, पीआर हो चुकी है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा दीज गाइज शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। उन्होंने बहुत मेहनत की है एंड उनको दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। थैंक यू।